हेलो स्टूडेंट्स, आम प्रीवियस क्लास रे अप टू कमर्सियल सेल पढ़ते है बोले कमर्सियल सेल कौन पढ़ते प्राइमरी सेल आउ सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल गुड़ा कौटा थी जो थे कि रेडॉक्स रिएक्शन केवल वन्स यूज होता। फॉर एग्जांपल आम नहीं जो घंटा बैटरी है बोले आ देखे रिमोट बैटरी एगुड़ा सब प्राइमरी सेल आम रियूज कर पार नले लेफ्ट स्टोरेज बैटरी तो मुझे एग्जांपल दे बोले ये प्राय सेकेंडरी सेल पर लेफ्ट स्टोरेज बैटरी को एग्जाम्पल हिसाब दे लिथियम आयन बैटरी देखी लेफ्ट स्टोरेज बैटरी गुड़ा प्रायत आम इनवर्टर हिसाब से यूज हुए है बोले। तो देखी तुम आज होमवर्क हो बोले होमवर्क कौन देख तुम्हें जीक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट पढ़ल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम स्टार्ट पढ़ल तुम रफली गोटे एक्सट्रा पेपर कौन कर तुम की नोट बनैब है बोले की नोट बनैब देख एबे मन कर देख इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थिला हेला बोले तो से कौन होता कैथोड आउ एनोड साइन अलगा होता तुम से कौन कर तुम गोटे की नोट जी तुमको भल लगे हेला बोले की नोट बनैब तो एनोड रिएक्शन कौन होता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रे एनोड को रिएक्शन होता कैथोड को रिएक्शन होता कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव एनोड पॉजिटिव नेगेटिव बस ये तुम कर आ तुम शॉर्ट रे कौन बनई पार तुम्हें निजर गोटे ट्रिक दब से जमी भाई पार्च हेला बोले से बनैब आम पढ़ी आउ किसी फर्मूला आम आसते जमी नस्ट इक्वेशन फर्मूला कनसेट्रेसन सेल फर्मूला आउ आम रिलेसनशिप देखते डेल जी सहित ई सेल रही तुम जितक अच्छे स्टार्टंग्रु की नोट बनैबे आसब जो फर्मूला ना फर्मूला अच्छे फर्मूला जो फर्मूला नहीं जहाँ तुम ट्रिक दरकार पड़े मन रखापे से कनसेप्ट छोटिया छोटिया तुम्हें की नोट बनैब बोले छोट छोट पॉइंट गुटा बनई कि तुम गोटे ब्रीफली गोटे नोट बनाओ है बोले एटा कौन तुम वर्क है होमवर्क तुम है बोले तुम यहाँ फेर नोट लिखिले लेख न दरकार ना एक्सट्रा गोटे पेपर कर लिख है बोले आज जो मैंने की नोट बनैब तुम्हें मत पर्सनाली मत यहाँ तुम ह्वाट्सअप मत मेसेज करदेव है ग्रुप छाड़ दबे भूल रहे मत छाड़देव मुझे चेक करी खाली तुम यहाँ किए केमती कर देखिए किए कौ जाए पहुँची नोट लिखी जना पड़ जाए की नोट बनैब है तुम्हें आपको रिफर कर बोले फर्दर तुम यूज भी हाँ आपको है ना। तो यह तुम होमवर्क है बोले तो आज आम कौन पढ़वा तो आज आम पढ़ा पे फ्यूल सेल फ्यूल सेल पढ़ा आगे तुम गोटे जिनस पे देख तुम बर्तमान सिलेबस जहाँ अच्छे है मे भी तुम चेंजेस हो पारे है ना। तो जब कौन जिन एक्सट्रा अच्छे तुम भाई मैंने सार सिलेबस देखी पढ़ो ना बोले तुम ये भाव सार सिलेबस देखुं आढ़ुंट जदि कौन जिन एक्सट्रा अच्छी बोले तुम एक्सट्रा पढ़ी था जो आम कलेज प्राक्ट करवा से प्राक्टिस कला जिनस काटिद जेहेतु ये जेहेतु आम ऑनलाइन रे पढ़ु बोले तो तेणुक आमको कम समय बेस किसी पढ़ी पार्चु है ना कम समय जेहेतु अधिक पढ़ी पार्चु अधिक पढ़ी कितने जो तुम फर्दर तुम फ्यूचर यूज हम है ना फर्दर तुम फ्यूचर यूज हम जदि आम बर्तमान जब बोर्ड एग्जाम ना आम प्राक्ट कला काटिद से गुड़ाक कि जदि पढ़व बोले आ विजार ना होता बेलू तेनाली एक्सट्रा पढ़ी तो वरी हम ना हेला आम सब सिलेबस देख पढ़ाऊ बोले है फर्दर जो आम प्राक्ट कला सिलेबस अनुसार प्राक्ट करदे है तो ये तुम नोट बनई था जब आम जिन किसी एक्सट्रा पढ़ दे बोले आम के लस पड़वानी आम सब फायदा थी है ठीक अच्छे। तो आज आम पाठ स्टार्ट करा बोले फ्यूल सेल बोले फ्यूल मान कौन जाड़ानी सेल मान कौन बैटेरी जो थे आम करेन्ट पाइपर है मानने जाड़ानी हिसाब से जो जिन यूज हुए से आम करेन्ट पाइपर है बोले तो सी हूँ फ्यूल सेल। तो यार डेफिनेशन कौन बोले फ्यूल सेल्स आर द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन मिथेन मिथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट मीन्स बोले देख कौन हम ये डिवाइस कौन कर फ्यूल सेल जो डिवाइस जी कि मानने गोटे एनर्जी मानने हाइड्रोजन मिथेन मिथेनॉल एम कंबशन मानने जलिले जो जिनस प्रोडक्ट तैयारी हो बोले एथ्रु इलेक्ट्रिकल एनर्जी जेनेट हो पार है बोले। तो जेनेल देख सब मन रख जितेबले कि आम कंबसन क्या कह कंबसन मान देख सी जेकोसी जिनस कंबसन मान अक्सीजेन ताद रियाक्ट करके तुम प्रडक्ट दे हूँ कंबसन रोसेस है बोले दैट मीन देख कंबसन बुझल अक्सीजेन ताद रियाक्ट कर कंबसन अर्थ हो कंबसन मान कौन बोले जदि कौन पिला कंबसन डाउट अच्छे कंबसन अर्थ हो बोले जलवा जलवा आउ एनर्जी दबा या कह बोले कंबसन है। तो देख सच ए कन्वर्सन इज रेस्पन्सिबल और पॉजिबल बिकॉज ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस है बोले।
तो जेतिके सब ए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जेनरेट हो पारे ड्यू टू द रेडक्स रिएक्शन पाई हेला देख पे ये जो कंबसन रिएक्शन जेहतु रेडक्स रिएक्शन तेणुक इलेक्ट्रिक करंट आम जेनरेट हो पारे जदि रेडक्स रिएक्शन हो न था तो इलेक्ट्रिक करंट बाहर न था तो जेको जगह बोले जब रेडक्स रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी पाइबार संभावना अधिक सेला बेले तो देखा ये जो फ्यूएल सेल रोटे बेस्ट एग्जांपल हो बोले आमर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल को प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाव यूज होपोलो मून लाइट फ्लाइट रे हेला बेले अपोलो मून फ्लाइट रे मान जो स्पेस को जीव हेला बेले तो देखा तो स्पेस तो वाटर ना तो वाटर कौन मैंने बोतल धरी जी कि ना तो कौन हम यो फ्यूएल सेल यूज कर पे ये फ्यूएल सेल कंबसन प्रोडक्ट मैंने फ्यूएल सेल यदि यूज हम पे तो ये कंबसन प्रोडक्ट आसव जो मैंने ये आम रिएक्टेंट सहित ऑक्सीजन रिएक्ट कर तो कौन हम सी जो प्रोडक्ट दब सी हूँ वाटर हेला बोले प्योर वाटर देदेब या ड्रिंकिंग वाटर हिसाब से यूज करहब तो स्पेस लोक मैंने बा ये जो एस्ट्रोनॉट मैंने कौन कहे फ्यूएल सेल जो वाटर बाहर या पीवाप यूज कराए माने ये हूँ एडिबल वाटर है ड्रिंकेबल वाटर ये है तो देखा फ्यूएल सेल तो आम बढ़े तो यार आम कंस्ट्रक्शन देखा कंस्ट्रक्शन मान हूँ केमी या वर्क केमी करा बोले ये जो रेडक्स रिएक्शन होचुअली रेडक्स रिएक्शन हो ना आम ये सब बर्तमान ए देखा तो देख फ्यूएल सेल रो कंस्ट्रक्शन करुच्चेला बोले कंस्ट्रक्शन कला बेल देख तुम ध्यान दियो एक्चुअली आम केमी कंस्ट्रक्शन करुचो जदि आम कंस्ट्रक्शन बुझी ताहले या बुझा बहुत इजी हो देख पे तो एपट मु गोटे माउथ देवी एपट भी गोटे माउथ देवी ये दुटा इलेक्ट्रोड लगे पे कार्बन इलेक्ट्रोड लगे कार्बन इलेक्ट्रोड लगे आम ये बोले कार्बन इलेक्ट्रोड लगे मुझे मो लेफ्ट साइड जेटे आम रिप्रेजेंट कला बेल कौन जे लेफ्ट साइड जिते भी एनोड का रखि थाउ एनोड जेहेतु ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट हे तो एनोड नेगेटिव हे तो पॉजिटिव किए हे कैथोड कैथोडा पॉजिटिव हे हेला बेले तो देखा तो ये जो मुझे कैथोड नेली एनोड नेली दुटा इलेक्ट्रोड ये हूँ पे एनोड ऑफ पोरस कार्बन कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट सुइटेबल कैटलिस्ट थी हेला बोले ये सुइटेबल कैटलिस्ट जनरल किए हो पार प्लाटिनम और पालाडियम प्लाटिनम और पालाडियम हो पार ये जो कैथोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुइटेबल कैटलिस्ट एले ये जो कैथोडा एनोड्रे सुइटेबल कैटलिस्ट दिखाई थी जहाँफल कि रिएक्शन फास्ट होते कंबसन रिएक्शनटा रिएक्शन फास्ट हो पार दैट मीनस जिते फास्ट हम से इलेक्ट्रिसिटी करंट बाहरी पार है बोले तो देखा आम तो ना देख पोरस कार्बन कौन थी सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट अच्छी सर इलेक्ट्रोलाइट नुह कैटलिस्ट अच्छे मन रखे ये जो कैटलिस्ट बोले ये देखो कैटलिस्ट गुड़ाक अच्छे कार्बन पोरस कार्बन रे कैटलिस्ट गुड़ाक अच्छे हेला बोले तो मुझे सेटअप कली ए मिडिल रे कौन देली देख बोले ये जो मिडिल रे मुझे इलेक्ट्रोलाइट देवी आम इलेक्ट्रोलाइट दरकार जेहतु इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इलेक्ट्रोलाइट दरकार तो इलेक्ट्रोलाइट नेबी मुझे बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबी हेला बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ए जे इलेक्ट्रो नेबी बुझिपार सरी इलेक्ट्रोलाइट नेबी आउ कौन देखा बोले ये जो एनोड को सप्लाई करवा आम हाइड्रोजन गैस एच टू गैस सप्लाय करवा आउ कैथोड को आम सप्लाय करवा पे ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन जेहेतु आम एच टू ओ टू फ्यूएल सेल तो आम फ्यूएल हम हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन हेला बोले तो ऑक्सीजन जेनेल आम एटमॉस्फेयर मिल जाव आ हाइड्रोजन टाइम देवा पड़ो जेनेल जो कंबसन रिएक्शन आम ये जिनस यूज करवा
है बोले तो है कंस्ट्रक्शन देख बोले तो एक्चुअली कौन हम इलेक्ट्रोलाइट यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पोटासीयम हाइड्रोक्साइड ना भी हम है आ देखा ये हूँ आम एनोड एनोड किए कार्बन कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट कैटलिस्ट थी किए पैलेडियम और प्लाटिनम कैथोड भी ये गोटे पोरस कार्बन से कैटलिस्ट अच्छे पैलेडियम और प्लाटिनम दे चलो सीटे मिडिल राउंड दे बिले सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा बिले जोबले रिएक्शनटा हम जो आम एपटू मानने हाइड्रोजन गैस एपटू ऑक्सीजन गैस बबल करवा दैट मीन इत पास हो पार पास जो सल्यूशन भितर जो पे जो रिएक्शन हम रेडक्स रिएक्शन हम तो रेडक्स रिएक्शन यार प्रोडक्ट हम पे वाटर बाहर है जो प्योर वाटर बाहर जहाँ को ड्रिंक करें स्टूडेंट मैंने आम मैंने भी पीले हम बट जेहेतु जेनेल ये फ्यूएल सेल गुड़ाक जो अपोलो मून फ्लाइट गुड़ा यूज हुए तो से जो प्रोडक्ट को है कंबसन रोडक्ट हम पे वाटर याक आम पीपर है ड्रिंक कर तो बुझीपाल ये हूँ ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ये किसी ना मिडिल दिखाई इलेक्ट्रोलाइट एनओएच लेफ्ट एनोड अच्छे राइट कैथोड अच्छे है बोले तो ये इलेक्ट्रिसिटी जेनेट हम से माने इलेक्ट्रिक करंट भी पाइपारे आउ पीवाप वाटर भी पाइपारे तुम्हें आगे घरे यूज कले भी हम है कि कौन हम बेस कस्ट पड़ज है कस्ट पड़े तुम डिसएडवांटेज तुम कहला बोले तो देखा यार आम तो कंस्ट्रक्शन देखिले तो वर्किंग प्रिंसिपल देखा केमती वर्क करुचे है बोले तो देख बोले एट एनोड तो एनोड ऑक्सीडेशन हम तो एनोड देख बोले ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडेशन कार हम यो हाइड्रोजन गैस निचे आज जो इलेक्ट्रोलाइट रो ओएच माइनस अच्छी है बोले तो ये कौन करेंगे चार्टा वाटर तैयारी करेंगे आ चार्टा इलेक्ट्रॉन बाहर एट कैथोड कैथोड को रिएक्शन हम रिडक्शन रिएक्शन तो रिडक्शन कार हम वोटूर हम है वोटूर हम ताको किए रिडक्शन करेंगे ये जो वाटर मिसीज या तो वाटर देख दुईटा वाटर ये मिसीज आ चार्टा इलेक्ट्रॉन यूज हम है कौन हम चार्टा ओएच माइनस हो तो चार्ज बैलेंस है कि चार्ज बैलेंस है देखा देख ऑक्सीजन चार्टा ठीक अच्छे हाइड्रोजन चार्टा ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉन ये नहीं है दैट मीन्स है तो जो ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन रिएक्शन है तो रिडक्स रिएक्शन हो पार्ला तो ओवरऑल रिडक्स रिएक्शन आम देखा ओवरऑल रिएक्शन कौन कौन देखा चार्टा इलेक्ट्रॉन को चार्टा इलेक्ट्रॉन कटिगला देख दुईटा देख चार्टा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होउची दुईटा यूज हो दैट मीन्स ओवरऑल कौन हो पे तो दुईटा एच टू मॉलिक्यूल बढ़े दैट मीन्स टू एच टू ओ प्लस ओ टू गैस गिव्स टू एच टू ओ मॉलिक्यूल है बोले दैट मीन्स ये आम ये कंबसन प्रोडक्ट है कंबसन प्रोडक्ट हो पे वाटर ये वाटर को यूज कर तो ये रेडक्स रिएक्शन प्रोडक्ट हो पे इलेक्ट्रिक करंट सहित वाटर दौचे तेणुकर ये बहुत इको फ्रेंडली भी आओ बहुत बढ़िया पे यहाँ हेले कौन जे किंतु ये टिके बहुत कॉस्ट बढ़ जाए तेणुक आम घरे घरे यूज कर पारना ना आपको आम यूज करवा करंट भी पाई पानी भी पाई पापाई एडा बुलवा दरकार नहीं मानने समर भेकेशन देखिए समर सीजन में वाटर स्कारसीटी बहुत रुहे तो या यूज कर वाटर अवेलेबल करहब कि जेनेल कहीं करना है कहीं करना बोले कहीं देख या जेनेट कर तो तुम मैंने देख कैटलिस्ट कौन यूज कला आम ये पैलेडियम और प्लाटिनम तो प्लाटिनम कौन शस्ता कि पिले यहाँ सिल्वर का लोक मैंने किणवापी टे पछा दौरान गोल्ड कथा कला बेला पछा दौरान प्लाटिनम को छुई पारे ना तो जेनेल जो यहीटा यूज करेंगे पिले आदि घर के जदि ये फ्यूएल सेल यूज करदेला पर दिन आक जी टेकी धरी पलिथे है बिले आगे रबरी कर टेकी धरी पलिथे तो तेणुक यदि ये हाई कस्ट पिले तेणुक या यूज कराए है तो जे आवश्यक थोड़े ही आगे यूज करा जाए तो आवश्यक कौट हम जो कि स्पेस क्राफ्ट गुड़ाक है जो मून फ्लाइट गुड़ाक प्रायत आगे यूज कराए कहीं सी तो पानी ना ना पा दरकार ना तो मरीज है पे इलेक्ट्रिक करंट दरकार तो बहुत ये कौन कर सप्लाई करपर आउ कस्ट अधिक चलो है बोले तो तेणुक से जगह यूज कराए देख लम एनोड कैथोड कौन यूज कराए बोले आउ कौन मिलूँ ये वाटर सहित इलेक्ट्रिक करंट मिलूँ ये हूँ फ्यूएल सेल र वर्किंग प्रिंसिपल है बोले तेल ठीक अच्छे आ देख तुम गोटे क्वेश्चन आसत ये
तो ये जो फ्यूएल सेल को जे वर्क करि परबो जेंते देखो तुम कहले आमे प्राइमरी सेल हला बिले तो ये जो प्राइमरी सेल गुडा ग ए जो घंटा बेटी गुडा ग जो जे रिडक्स रिएक्शन चली छे जेतेबेले बंद हो सेल डेड हो फिर पड़ो से रीयूज हो पारे ना बट आम कौन सेकेंडरी सेल गुड़ाक रीयूज आम कर रीयूज कराईना चार्ज कर इलेक्ट्रिक करंट चार्ज करवा पुणी थे से कौन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भाला काम कर धीरे देन करंट प्रड्यूस कर बट ये कौन हम ये कौ जाए वर्क कर जो जाए आम फ्यूएल सप्लाई कर जो जाए आम फ्यूएल सप्लाई कर से जाए ए सेल वर्क कर फ्यूएल सप्लाई जो जाए थी सेल से जाए वर्क कर तो गोटे लेखा देखिले बहुत बढ़िया सेल बट कॉस्ट बहुत यार है तो ये जो फ्यूएल सेल तो बर्तमान देखा पे आम करोजन करोजन देखा आम देख पे करोजन करोजन मान कौन धीरे धीरे केमती मेटाल गुड़ा नष्ट हो जाऊँच ए प्रोसेस कह आम करोजन फर्स्ट तरह डेफिनेशन देखा द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सच एज ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट्स एंड सल्फेट यार मीनिंग कह देख बोले मीनिंग हूँ ये जो मेटल गुड़ाक एटमॉस्फेरिक गैसेस रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड तैयारी करदेव फॉर एग्जांपल तार ऑक्साइड सल्फाइड बा कार्बोनेट बा तार सल्फेट तैयारी करबो ले बोले काहे कि तैयारी कर देखो देखो फर्स्ट थिंग तो ये जो एर्थ अच्छे बोले तो एर्थ रे जो मेटल गुड़ाक अच्छे बोले तो मेटल गुड़ा एलिमेंटल स्टेट रे मिलूना फ्री स्टेट रे मिलूना जेनराली तो देखो जेहेतु फ्री स्टेट रे मिलूना है ना तो देखो सुना बा रूपा बा प्लाटिनम बा कार्बन ये जो आम हीरा गुड़ा बोले तो डायरेक्ट कौटे गचरे फलूना जे आम डायरेक्ट आम तोलिकी लगेदेव है बट दुकान में डायरेक्ट मिल कितु नेचर मिल डायरेक्ट हैला सुनार कान फूल कौटे फलुची पीले ना ना कि देखियो सुनार चेन कौटे फलुची कि ना तो आसला कड़ू है ये सुनार कान फूल एगुटा से गुड़ा भी प्योर ना कि एक्सट्राक्ट कला बेलू आमको प्योर जिनस दरकार है देख दैट मीन एर्थ रे जो आम जो मेटल गुड़ा पाइबा से प्योर स्टेट न थाए दैट मीन कंबाइन स्टेट थी तो जेहेतु आम से जो कंबाइन स्टेट रु है कंबाइन स्टेट रु आम कौन करें प्योर मेटाल को बाहर कर प्योर मेटल को बाहर करा जेहेतु ये प्योर मेटल को बाहर करुचु दैट मीन आम तार नेचुरल फॉर्म टू अनैचुराल फॉर्म को आनी दौ जहाँफल कौन हम तो नेचर कौन कर पुणी थे ये जो प्योर मेटल को नेचुराल फॉर्म रे कन्वर्ट कराया चेस्टा कर केमी तार नेचुरल बा नेचुराल प्रोसेस ये कौन कर प्योर मेटल गुड़ा पुणी थे तार कंबाइन स्टेट को आने चाहे तो तेणुकर बोले ये जो रस्टिंग हुए माने प्योर मेटल जोड़ी आम देखा तो सी कौन हम सी रस्ट जेनराली लगी जाए है दैट मीन तार ये कंबाइन स्टेट को आने ये जो नेचुरल प्रोसेस गुड़ा यूज हे पे है बुझीप तो ये तो है तार कनसेप्टा माने केते बेले भी ये जो मेटल गुड़ा फ्री स्टेट मिलो ना तो यह करोजन बुझे करोजन मान हूँ धीरे धीरे मेटल गुड़ा कौन हम नष्ट आ तार कंपाउंड गुड़ा बनी जाए नष्ट के हम तार कंपाउंड गुड़ा बनले धीरे धीरे गुड़ा नष्ट है बिले जो कंपाउंड बनी तो मेटल ऑक्साइड हो पारे मेटल सल्फाइड हो पारे मेटल कार्बोनेट हो पारे मेटल सल्फाइड हो पारे है बिले ये प्रोसेस को आम करोजन देख बिले करोजन माने आम जेनराली आम रस्टिंग को जेनराल एग्जांपल नबा है तो बेस्ट एग्जांपल करोजन है करोजन रो आम रस्टिंग को नबा आम कहीं डेली लाइफ या सहित आम एक्विंटेड अच्छे तेणुक आम यार एग्जांपल ना दैट मीन आयरन छड़ा कौटी करोजन होना कि हूँ रूपार भी होती तंबार भी होती पीतल भी होती बोले डिफरेंट करोजन हो देख पीतल पर गोटे ग्रीन लेयर बस जाए सेटा भी तार रस्ट का है बोले सुना भी धीरे धीरे बस जाए है तो सेत देख जो सुना रस्ट बस तार ग्लेज कमी चिकचिक मार ना पुणी थे से जो रस्ट हटेले पुणी से चिकचिक देखा है बोले तो जेनराल तुम देख रस्ट मैंने जदि आईरन छाड़िके तुम जो जिन मार्क कर घरे पीतल सामान देख गुरुवार मजुथे है से रस छड़ा तुम कौन कर लेंबु ना कौन कर बोले ये जो तेतु यूज कराए तेतुटा एसीड ना तो से एसीड यूज कर रस्ट को बाहर कराए है ठीक अच्छे आम तो करोजन हम तो एक्विंटेड है तो आम रस्टिंग है जो करोजन थियोरी अच्छे आम रस्टिंग एग्जाम्पल नहीं करोजन थियोरी हिसाब से आम कौन कर एक्सप्लेन करवा है बोले तेल ठीक अच्छे तो बर्तमान देखा आम मेकानिजम अफ रस्टिंग है मेकानिजम अफ करोजन तार एग्जाम्पल देखिए आम रस्टिंग है
मेकानिजम ऑफ रस्टिंग। तो या को बुझार अच्छे बोले फास्ट मु कौन कर गोटे एग्जाम्पल ने तो एग्जाम्पल कौन ने देख सपोज ये आईरन बोली भाव ये कौन बोले ये हूँ आईरन है ये हूँ आईरन है आईरन एटा तो या उपर कौन अच्छे सपोज ये रस्ट बोली भाव है तो ये जो जदि आम रस्ट बोली भावा तो रस्ट केमती है तुम कौच सपोज ये वाटर ड्रॉपलेट बोली भाव देख जिते बड़े कि ये गोटे छोट पर्सन नहीं मुझे बड़ कर देखे ये जदि तुम वाटर बोली भाव है वाटर ड्रॉपलेट बोली भाव है वाटर ड्रॉपलेट है बोले तुम फंडा बुझीपार आयरन उपर वाटर ड्रॉपलेट अच्छे कुआटे आसला आटमोसफियर में अलरेडी वाटर भेपर अच्छे से गुड़ाक आसिक या पर लगे आयरन पर लगे देन ये कलंगी तैयारी हम है बोले कलंगी तैयारी हम देख जेहेतु ये वाटर पीले जिते बड़े वाटर जदि कौन हम आटमोसफियरिक आटमोसफियरिक ऑक्सीजन आउ आटमोसफियरिक कार्बन डाइऑक्साइड डीजल हम है बोले वाटर डीजल हो पारे धीरे धीरे डीजल हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर डीजल हम कौन तैयारी कर बोले H2CO3 कौटी अच्छे सढ़ार अच्छी है बोले H2CO3 ये गोटे एसीड तैयारी करदेव दैट मीनस ये गोटे इलेक्ट्रोलाइट भाग काम कर जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे डीजल हो जाए पहले कौन हम ऑक्सीजन डीजल हो कार्बन डाइऑक्साइड डीजल हो कार्बन डाइऑक्साइड डीजल होले एक्चुअली कौन हम ये कौन हम बोले इलेक्ट्रोलाइट भाग काम कर जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर बोले ये जो H2CO3 कौन बोले डिसोसिएट कर केमती H2CO3 डिसोसिएट कर तो ये दुईटा H+ दब गोटे CO3 2- आयन दब तुम बुझीप दैट मीनस इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करके आयन दौर आयन दौर मान ये इलेक्ट्रोलाइट भाग काम करा तो आम रेडक्स रिएक्शन होगापी ये जरिया बन तार दैट मीनस बुझीपार तुम ये तो ये कौन बोले आईरन है ये हूँ आईरन बुझ मु पूरा आईरन नहींचेला बोले तो देख इलेक्ट्रोलाइट हो गला आख पे जदि आईरन कौन हम आईरन देख पे ये जो डीजल गुड ऑक्सीजन अच्छी है ना ये हूँ डीजल गुड ऑक्सीजन अच्छे ये टिके लिखिद हाँ डीजल ऑक्सीजन अच्छी आ कौन अच्छे ये जो H+ आयन अच्छे बोले आयरन कौन कर डीजल गोटे ऑक्सीजन आउ H+ यार जो प्रेजेन्स अच्छे बोले डीजल गोटे ऑक्सीजन आउ H+ प्रेजेन्स कौन हम ये ऑक्सीडाइज हम ऑक्सीडाइज मैंने कौन बोले इलेक्ट्रोन लॉस दुटा इलेक्ट्रोन लॉस कर ये आयन हो कौन हम ये Fe2+ आयन तैयारी कर आयन तैयारी करके हैला बोले तो ये जो आयन तैयारी कर खाली गोटे कि या भाई केते अच्छे केते बोले एमती Fe2+ आयन दब आउ इलेक्ट्रोन लॉस कर बोले तो देखा जो साइड रे हैला तो देख फास्ट थिंग आम कौन है देख ये प्रोसेस तुम बुझीप एक्चुअली तुम तो डायग्रामेटिकल बुझीप फास्ट प्रोसेस कौन देख मुझे कहीदे देख बोले H2O कौन हम ये जो जिते बड़े कार्बन डाइऑक्साइड डीजल हम ये कौन दब बोले आमको कार्बोनिक एसिड दब H2CO3 जे कि इलेक्ट्रोलाइट भाग काम कला है ये आम रेडक्स रिएक्शन पर इलेक्ट्रोलाइट भाग काम कला दैट मीनस ये जो मेकानिजम रोस्टिंग रे रेडक्स रिएक्शन होने से जिनसे मुझे देखा चाहूँगी रेडक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट जेनेट होगा जदि ये इलेक्ट्रोलाइट पीले ये इलेक्ट्रोलाइट आम कौन कर आयन देवा पड़ो को आयन दब H+ आउ CO3 2- आयन दब तो देला बोले आउ कौन अच्छी आयरन सरफेस जेहेतु ये जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेन्स है कौन हम ये जो इन प्रेजेन्स अफ डीजल गोटे ऑक्सीजन आउ H+ आयन आयरन कौन कहे ऑक्सीडाइज होक्सीडाइज हेल्ले कौन मिले आमको Fe2+ दुईटा इलेक्ट्रोन मिले बोले दुईटा इलेक्ट्रोन मिले तो ये है जेहेतु ये ऑक्सीडेशन हो जो सैड्रे ऑक्सीडेशन है से साइड को आम एनोड बोली कह एनोड साइड है बोले एनोड साइड बोली कहीपर दैट मीनस मुझे साइड को एनोड बोली कहीपरि है बोले एनोड साइड बोली कहीपरि आउ देख कौन हम जेहेतु ये जो इलेक्ट्रोन आसला बेले तो मेटाल इलेक्ट्रोन टा रहा तो ये जो इलेक्ट्रोन टा ये मुव कर इलेक्ट्रोन टा मुव करेंपटे है बोले इलेक्ट्रोन मुव करेंगे तो मुव कर कौन हम ये जो डीजल गोटे ऑक्सीजन अच्छे है बोले आउ कौन अच्छे आउे H+ अच्छे ये कौन करेंगे चार्टा इलेक्ट्रोन है माने ये इलेक्ट्रोन कौन कर ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करदेव तो रिड्यूस कर कौन दब बोले तो रिड्यूस करके दुईटा वाटर मॉलिक्यूल देदेव दैट मीन्स प्रोसेस कौन है देख ये जो चारिटा इलेक्ट्रोन बाहर ला माने ये चारिटा इलेक्ट्रोन मेटल जेहतु कंडक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी माने सरी इलेक्ट्रोन फ्लो हम या देखी इलेक्ट्रोन फ्लो है आउट साइड गला तो आउट साइड कौन हम बोले ये देख ऑक्सीजन
जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन जो डिजोल्व हो पिले ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन डिजोल्व हो इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस पिले तो ये कौन कर मिसिके हला एमाने मिसी जिबे तो एमाने जो रिएक्ट करिबे हला दैट मीन्स मुझे या ऊपर लगी दोची ऊपर हला दैट मीन्स तीन जन मिसिके हला कौन है दुईटा एच टू ओ मॉलिक्यूल देखा तुम बुझीपार कहीं ये बड़ा वाटर ड्रॉपलेट करुचे कहीं जिनस गुड़ा कहीं लेंदी हो तेणुकर मुझे धीरे धीरे आपको बुझाऊँ जो एटमॉस्फेरिक जो डीजल हैला पिले ऑक्सीजन टा ता है तो एच प्लस मिसो देन वाटर तैयारी करिवो दैट मींस रिडक्शन होचे जो साइड रिडक्शन होचे सेडी हम कैथोड बोली कहबा ये होची कैथोड साइड जो कि रिडक्शन हैला ये एनोड साइड से कैथोड साइड हेगला पिले इलेक्ट्रोलाइट अछि रेडॉक्स रिएक्शन हैला ना तो रेडॉक्स रिएक्शन हेबो ऑक्सीडेशन होचे आ देखिबा एटी कोन होबले रिडक्शन हेबो रिडक्शन जोडी हेबो ताको आमे कैथोड बोली कहबा रिडक्शन जोडी हेबो ताको आमे कैथोड बोली कहबा देखो पहले आम एनोड आउ कैथोड रिएक्शन देखिले तो देखो नेक्स्ट कौन हो ये जो आयरन टा आयरन ऑक्साइड है सॉरी आयरन टा आयरन आयन है फेरस आयन है बोले ये कौन कर ये एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कर आउ वाटर भी ताकि रिएक्ट कर बोले तो ये दुईटा ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन आउ चारिटा एच टू सहित रिएक्ट कर एफि टू ओ थ्री दब है दुईटा एफि टू ओ थ्री दब बैलेंस कर धीरे धीरे तो एफि टू ओ थ्री दब प्लस आठटा एच प्लस दब है बोले आठटा एच प्लस दब देख ये आठटा एच प्लस बाहर दे तो आम कितने दरकार ये चार ये दुई छाला ये चार दुई छ दैट मीन बैलेंस होगा देख छा ऑक्सीजन राइट साइड अच्छे लेफ्ट साइड मतलब चार दुई छा ऑक्सीजन अच्छे ये चार्टा आयरन अच्छे ठीक अच्छे देन आठटा बाहर आमर के ये चार दुई है आठटा एच प्लस बाहर आमर है बोले तो ये है देख आयरन टा कौन हो आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट होते कि से ये जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन आउ वाटर सहित रिएक्ट करुचे तो देख बोले ये तो है आयरन ऑक्साइड जो कि ये जो आयरन ऑक्साइडा एफि टू ओ थ्री कौन हो बोले ये ए नंबर ऑफ एच टू मॉलिक्यूल रिएक्ट कर दैट मीन तैयारी हे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ये हम बोले हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड आपको आम कह रस्ट बोले तो देखो एक्चुअली केमती हम तो ये जो रिएक्ट कला आयरन आउ वाटर मॉलिक्यूल है बोले एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन मिसी ये कौन तैयारी करुचे है बोले तो कौन हम ए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिसी देन रस्ट तैयारी होचे दैट मीन एम जो तैयारी हे ये हम एफि टू ओ थ्री है बोले ये रस्ट बट जेने रस्ट सहित हाइड्रेटेड हम ताको आम रस्ट कहो कहीं रस्ट सहित बोले वाटर मॉलिक्यूल लगे रही था तो बुझीपार ये हूँ आपको कह रस्ट ये प्रोसेस रे रस्ट बाहर तो देख स्टार्टिंग रूम तुमको प्रोसेसटा बुझे देख ये हूँ आम आयरन सरफेसटा है बोले जहाँपर कि आटमस्फिरिक व्टर मलिकुल गुड़ा अच्छे व्टर ड्रपलेट अच्छी देख बोले तो जो व्टर ड्रपलेट अक्सीजेन आउ कार्बन डाइअक्साइड कौन हम डीजल हेल्ले कार्बोनिक एसिड बाहर आउ एर ऑक्सीजन मतलब डीजल होजल हो तो कार्बोनिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट भाला काम कर जेहतु इलेक्ट्रोलाइट ये आयन दब एच प्लस आउ सीओ थ्री माइनस है तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भाला काम कला आउे ऑक्सीजन डीजल अच्छे एच प्लस अच्छे है पीले तो जेहतु ये आयरन टा पीले डीजल बड़े ऑक्सीजन आउ एच प्लस इन प्रेजेन्स कौन हम ऑक्सीडेशन हम तो ऑक्सीडेशन हेल्ले इलेक्ट्रोन गुड़ाक मेटाल छाड़देव ये कौन हम ये से इलेक्ट्रोलाइट सल्यूशन को पलाइब तार आयन गुड़ाक है बोले जेहतु जो साइड ऑक्सीडेशन होती है से सैड को आम एनोड मिल ना जेहेतु ये मेटाल टा पीले या दे इलेक्ट्रोन आउट साइड फ्लो करउट साइड फ्लो है पीले तो ये कौन हम ये जो डीजल ऑक्सीजन टा इन प्रेजेन्स ऑफ एच प्लस आयन तो ये कौन हम रिड्यूस हेल्ले वाटर मॉलिक्यूल जेनरेट है तो वाटर मॉलिक्यूल जेनरेट है जो साइड रिडक्शन है आम कैथोड साइड भी कहले है बोले ये बुझे तुम्हें आउ कौन देख पीले जो कि आयरन ऑक्साइडा कौन हम ये सॉल्यूशन रे डीजल ऑक्सीजन सहित मिसिके कौन हम आयरन ऑक्साइड तैयारी करदे पीले आयरन ऑक्साइड तैयारी कर देखिए पाखे एच प्लस मतलब जेनरेट होला आ कौन हम देख आयरन वाटर आउ जो आयरन आयन वाटर ऑक्सीजन मिसी कौन हम या दब ये जो आयरन ऑक्साइड एटा ही रस्ट पीले जो सी हाइड्रेटेड हम ताको जेनराली रस्टा हाइड्रेटेड फॉर्म रे थाए वाटर मॉलिक्यूल है एक्स माने जिते भी नंबर है किसी फिक्स न थी
हैला जदि ह्यूमिड अधिक थिबो मे बी एक्स्ट्रा अमाउंट अधिक थिबो जदि देखिबो खरा दिने टिके रस्ट रे कोन थिबो वाटर मॉलिक्यूल टिके कम थिबो हैला बिले तो ये होची रस्ट जनरली हमर याके ही कहबा रस्ट जदि ए जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हमें रस्ट बोली हैला बिले काहे ना जनरली वाटर मॉलिक्यूल लागि रहै थाय एटी तो बुझि पारथिबो ये होची टोटल मेकानिजम ऑफ रस्टिंग रो हैला बिले तो देखो रस्टिंग हेले फायदा ना लॉस तो द फर्स्ट थिंग रस्टिंग हेले बहुत किसी लॉस है जा देखो बिले बहुत गुड़े बड़ बड़ इंडस्ट्री गुड़ा अच्छे हैला बिले बहुत गुड़े मेटाल भेसल गुड़ा यूज करा होची मेटाल थिंग गुड़ा यूज करा होची जदि एमाने करोजन हम करोजन हेले कौन हम दैट मीनस बहुत गुड़े मेटाल गुड़ा नष्ट हम बहुत मेटाल नष्ट कौन बोले ह्यूज एमाउंट लॉस हम दैट मीनस ये आम इकोनोमी को मध्य इंपैक्ट करें तो देखो जनरल देखिथिबो जेते बेले गोटे सिप हैला तो समुद्र देखिबो समुद्र पानी लुणिया तो ताद गोटे सिप जाऊँ कौन हम देखिबो से धीरे धीरे हम से जो मेटल गुड़ा नष्ट तो नष्ट ना ताऊपर गोटे लेयर दि जाए से लेयर कौन कर पे डायरेक्ट कंटाक्ट को आने ये लुण पा को ये मेटाल कंटाक्ट को आने ना जहाँ फल कि रस्टिंग हम ना तुम देखिथ तो जेनेली घर पीले जो भेसेल रेगुलरली देख घर जो मान चारु खाऊला चारू मैंने कौन मतलब पचार ना जो मैंने चारु खाऊ देखिए बोले जो पात्र देखी थोड़ा जो पात्र रेगुला देख चार चारु करेंगे चारु को सब पात्र करेंगे घर गोटे पार्टिकुला देखिए डिश्रे थोला भेसेल थी से भेसेल चारु करेंगे तो मुझे जाकि आज देखिए हैला से चारूर से जो पात्रटा अच्छे से भितर देख मैंने तार लेयर देख जो जाए चारु करा से जाए गोटे लेयर बसाई थे गोटे चिन्ह पड़े आस पे कहीं से जो एसीडिक सल्यूसन आउ सल्ट सल्यूसन है बोथ एसीड आउ सल्ट छिड़ थी पे तेणुक कौन हम करोड हो माने धीरे धीरे से मेटल गुड़ा नष्ट तो तेणुक देखो टी से जीरी जाए थोड़े कम थी देखिए टे मैंने रफने पड़े आस टच कर देख रफने पड़े आस फिल कर अच्छी ना मत कह तुम्हें बोले ये सब हूँ रस्टिंग तो रस्टिंग हेले बहुत गुड़े ह्यूज लॉस हुए इकोनॉमी तेणुकर देख ये रस्टिंग को प्रिभेन्ट कले मैंने आमर ये नष्ट मेटाल नष्ट वाला टी कम होगा बोले तो रस्टिंग लगे बहुत किसी प्रॉब्लम हुए हैला बोले तो देखा जदि गोटे बिल्डिंग है गोटे बिल्डिंग रे जो आम लुहा कौन मेटाल यूज कर रस्ट हो बिल्डिंग को इफेक्ट कर गोटे ब्रिज करते ब्रिज जो लुहा जेकोसी गोटे मेटाल यूज कर रस्ट हो बिल्डिंग आउ से जो ब्रिज कलाप्स होबार बहुत चान्स थी होना ना तो ये देखा पीले रस्टिंग हेले आडभांटेज कौन अच्छे डिसएडवांटेज कौन अच्छे आउ मु तुम कहली ये तो डिसएडवांटेज अच्छे रस्टिंग रे कि फायदा ना बुझीपाल ना बट ये जानते ये भी रिडक्स रिएक्शन होगा पीले आउ गोटे जिनस देख ये रस्टिंग को प्रिभेन्ट के हैला तो रस्टिंग प्रिभेन्ट के आउ ये रस्टिंग कॉजेस कौन बाजो डिसएडवांटेज कौन गोटे देखा है पीले तो देख देखो पीले फैक्टर्स प्रमोटिंग करोजन ए करोजन को कौ कौ फैक्टर प्रमोट कर लगे ये जो करोजन अधिका हे देख लो फर्स्ट पॉइंट हूँ मोर एक्टिव मेटल्स आर रेडली करोड मैंने जो मेटल गुड़ाक बेस रिएक्टिव से माने जल्दी करोड हो जाए मैंने नष्ट है सेकेंड पॉइंट हूँ प्रेजेन्स अफ इम्प्यूरीटी एनहांस द चान्सेस अफ करोजन इन द मेटाल प्योर मेटाल डू नॉट करोड देख पीले जदि प्योर मेटल जनरली करोड हुए ना है प्योर मेटल जनरली कौन हुए करोड हुए ना आउ कौन देख आ देखा प्रेजेन्स अफ इम्प्यूरीटी एनहांस द चान्सेस अफ करोजन तो जदि इम्प्यूरीटी अच्छे से करोजन हुए देख पे जो आम आईरन यूज करा प्योर आईरन नुहे ना तो से कौन जो इम्प्यूरीटी एड कराऊँगी कार्बन है तो कार्बन परिमाण अनुसार डिफरेन्ट आईरन देखु तेणुकर देख आजिकल स्टिल भी कत जगार जंग हो जाए कहीं आयरन रे कार्बन मिसल जाए स्टील बनुच्छे तो जेहेतु इम्प्यूरीटी अच्छे बोले तेणुक से जंग हो जाए देखी थो तुम स्टील चाकुरे जदि देख लेंबू पीले लेंबूर किसी ड्रप तुम लेंबू काटिक रखी दिखाई आ धोई ना तेणु से रस्ट लगे जाए कहीं इम्प्योर मेटाल पाखे रस्टिंग हबार चान्सेस क्षमता अधिक थी प्योर मेटाल जेनेली कौन हम रस्ट हम ना करोड हम ना एयर एंड मॉइस्चर एक्सेलरेट द करोजन जदि एयर कंटाक्ट जदि कौन जो मेटाल आसे मॉइस्चर कंटाक्ट आसे दैट मीनस करोजन एक्सेलरेट हम दैट मीनस अधिक परिमाण में करोजन हो पार तो आयरन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम डू नॉट करोड है पीले
जदि आईरन को आम कौन कर भैक्यूम रखीदे एयर कंडक्टर आनवानी कि मॉइस्चर कंडक्टर आनवानी दैट मीन ये रस्ट हम ना सेमती रहा चेंजेस किसी हम ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखा कोरोजन टेक्स प्लेस रैपिडली एट बैंड स्क्रैचेस कट्स इन द मेटल जदि मेटाल रखिले कौन स्क्राच अच्छे तो सेठी कोरोजन हवा चांसेस थी आ देखिए कौन से बैंड अच्छे कौन से बैंड होगा पे तो से बैंड्स पाखे कौन हम यो रस्ट हवा चान्स अधिक थी स्क्रैचेस तो कहली कट्स जब मेटाल जो कौन फाट आसला कटिंग आसीगला तो से जगह कोरोजन हवार चान्सेस अधिक थी पे तो बुझीपार। तो नेक्स्ट पॉइंट हूँ इलेक्ट्रोलाइट इ प्रेजेन्स आल्सो इनक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन जदि इलेक्ट्रोलाइट अच्छे तो कोरोजन जल्दी बा बहुत फास्ट हे तो मुझे कहली जमी देख नॉर्मल वाटर रे आयरन जी परिमाण रस्ट हे लुण पा जदि आम आयरन पकईदे जल्दी से रस्टिंग हो तो तेणुक बोले जो समुद्र देखा कौन सी जहाज जाए दैट मीन समुद्र लुण अच्छे लुण मान से इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट जब प्रेजेन्स अच्छी बोले ये तो जल्दी नष्ट दैट मीन देख गोटे गोटे जहाज को जीवापी क्या मसे क्या दुमास बड़ बड़ जर्नी करुवे बोले मस दुमास लगे किए जन को है बोले कतरे जहाज को बेस टाइम लगे तो ये टाइम से पा भितर रही रही से लुण पा तार कंट्राक्ट आसो दैट मीन से मैंने पहुँचवा आगर का जहाज से बुड़ी जाए कि बुड़ीज पे बट सेमती होना कहीं से अलरेडी कौन करप्रे पे जीक पानी कंट्राक्ट आस तो से कौन भल भाव पे कोटिंग दे दिखते है जहाँ फल कि प्रोब्लम हुए ना है पे तो ये तो है देख पे ये कोरोजन को प्रिभेन्ट के तो कोरोजन को प्रिभेन्ट करवा नकल कौन हम आम ह्यूज लस हम जेनेली आम डे टू डे लाइफ आम कोरोजन लगे सफर हाँ आमर इकोनोमी या द्वारा प्रभावित हे तेनाली कमी प्रिभेन्ट करवा आम कमी कोरोजन को प्रिभेन्ट करवा आम मेटाल गुड़ाक प्रोटेक्ट करवा देख प्रोटेक्शन केमी मेटाल करवा प्रिभेन्शन केमी ये जो कोरोजन प्रोसेस को करवा है तो देख फास्ट जो मेथड आम डिफरेंट मेथड यूज करवा फास्ट हूँ देख ये बेरियर मेथड यूज करवा बेरियर मेथड मान यो आटमोसफियर अक्सीजेन एयर सहित आम कौन कर मेटाल को डायरेक्ट कंट्राक्ट को आनवा ना एम भितर गोटे पचेर देदे दैट मीन गोटे बेरियर देदे गोटे कटिंग देदे देख बोले पेंट करवा तुम देखुथ तो लुहा उपर कौन जो गोटे रेड ऑक्साइड गोटे पेंट दि जाए रेड ऑक्साइड हूँ गोटे पेंटा जी कि कौन कर यो मेटाल आउ आटमोसफियरिक गैसेस गुड़ाक डायरेक्ट कंटाक्ट को आने ता भर सी गोटे बेरियर हो देखा ऑयल फिल्म मान कौन करवा लुहा तुम जब मैंने रेगुलरली ऑयल लगाऊ बोले दैट मीन सी रस्ट हम ना है बोले ऑयल लगाऊ देखे थो जदि रेगुलरली तुम सैकल चलाओ मोटरसाइकिल चलाओ रेगुलरली आम कौन करा पड़ो ऑयलिंग करा पड़े जब ऑयलिंग न करा कौन हम ऑयल सरीगले कौन हम तार सरफेस जब खोला रही ये रस्ट हो रस्ट पे मैंने फ्रिक्शन कौन हम पे बढ़ी जाला बोले फ्रिक्शन बढ़ी गल तुम गाड़ी भल से चलो ना आउ कैंग कटर साउंड होता तुम्हें बर्तमान मत के फिल कर साउंड को तो है बोले आ देख ग्रीज ग्रीज दे तो देख ऑयल दियो बा ग्रीज दियो आम कौन ऑयल बा ग्रीज दे कौन फ्रिक्शन कमी आउ कौन हम पे तुम गाड़ी भल चल आम जो मेटाल दे जल्दी कौन हम पे रस्ट हम ना करड हम ना आ गए नन करडी मेटाल बा निकेल कौन करवा से मेटाल उपर तुम कौन कर जो मेटाल करड हो जाऊँचे तापर कौन निकेल रोटे प्लेटिंग कर दियो बा क्रोमियम गोटे प्लेटिंग कर आलुमिनियम प्लेटिंग कर कौन हम ये जेनराली कोरोजन हम ना है तो देखा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मान कौन करवा देख कवरिंग द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल कौन करवा जदि आम गोटे आईरन नवा गोटे आम आईरन रड नवा पे ताऊपर जब कौन करवा ताठ अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव बा मोर एक्टिव मेटल जब आम कौन कर कवर करदे तो कौन हम ये जेनराली ये कोरोजन हम ना है बोले जेनराली ये कोरोजन हम ना तो बर्तमान कौन कर देख तो मार्केट आम देख जी आई वायर मिले है जी आई रोड मिलूचे जी आई रोटे देख पाइप गुड़ा मिलूचे घर देख जी आई ये जो ग्रिल गुड़ा बनाहे है बोले तो जे बोले कह जी आई गाल्वानाइज्ड आयरन है बोले गाल्वानाइज्ड आयरन मैंने कौन हम आयरन जिंक रो कटिंग दि जाए है तो आयरन कौन कराए ये जिंक रो गोटे कटिंग दि जाए जिंक रो गोटे कटिंग दि जाए ये जो जिंक रो कटिंग दे कौन हम आयरन जो मेटाल या जो प्रकार
जिनसटा आसो आम कह गाल्भानाइज्ड आयरन बोले आयरन उपर जिंक कटिंग दिया जाए जिंकटा टी अधिक रिएक्टिव मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो जिन या बोले सी हम जि आई है गाल्भानाइज्ड आयरन या गाल्भानाइज्ड आयरन जेनराली कलंकी लगे ना रस्ट हुए ना है बोले तो बुझी पार तो प्रायत आजिकल ये जो जि आई रूज बहुत अच्छे मैंने टेबुल गुड़ाकुड़ा यूज कर दे मैंने जब लुहा यूज कर जि आई यूज कर या को यूज करवाटा मानने टी भल रो बुझी पार तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्टिंग गोटे एग्जांपल हो जि आई जहाँ आम जो यूज करुचु आ देखा बोले इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है बोले इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मान कौन जदि देखा आम देख पाइपलाइन गुड़ाक मटी तौर देख पाइपलाइन जाऊँगी जो पी एच डी पा आसूँ बोले घर को तो से जो पाइप दिखा आसे जेनेली मेटाल भी किसी अंश थाएर तो जदि से नष्ट बोले धीरे धीरे सी पानी में मिसिक आम देह को आसो धीरे धीरे पाइप नष्ट हो गले आम घर को पा भी आसब ना बाहर सब लिकेज हो पड़ जाए बोले तो यही सब रिएक्शन जो करोजन न होगापी कौन करवा आम इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन देवा दैट मीन आम इलेक्ट्रिक करेन्ट देवानी मानने एमती गोटे आम जो जिनस आम आम पाइप यूज करूँ अधिक रिएक्ट मेटालटा को कौन करवा ये डायरेक्टली आनी कंटाक्ट रखा वायर साहर आम कौन कर कंटाक्ट करवा देख भाई ये हूँ एर्थ सरफेस भितर मन पाइपलाइन जाइए तो पाइपलाइन देख जदि आम आयरन मेटाल तैयारी होती ये जल्दी करंट ना कौन करवा आम गोटे मैग्नेशियम गोटे मेटाल ना तो मैग्नेशियम मेटाल को कौन करवा वायर साहे कौन हाँ मैग्नेशियम जेहतु अधिक रिएक्टिव मेटल ये जल्दी कौन हम ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन बाहर वायर दे आपको फ्लो हम दैट मीनस ये कौन रिडक्शन हम तो रिडक्शन जो पाइपलाइन ऊपर हम बोले कौन हम देख ऑक्सीजन एच प्लस इलेक्ट्रॉन मिस रिडक्शन ऑक्सीजन रिडक्शन होगी जो ऑक्सीजन थी बोले तो ये रिडक्शन हो वाटर मिल जाए दैट मीनस ये कौन रस्ट या हम ना तो वाटर या वाटर कंडक्ट आसो बट रस्ट या हम ना तो पॉजिबल के बोले जिते कि ये मॉइस्ट सॉइल रे आयन गुड़ा थतल सब पॉजिबल हो पार है जब आयन ना तो इलेक्ट्रॉन टाइम वायर दिए पलब बट ये आयन थी इलेक्ट्रॉन भाई काम कर तेणुक डायरेक्ट कंटाक्ट कर वायर दिए कंटाक्ट कर ये एनोड के काम कर दैट मीनस इलेक्ट्रॉन फ्लो गुड़ाक हम बट ये रस्ट हम ना ये मेथड ये हूँ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्ट है बोले मोर रिएक्टिव मेटल को वायर साहय तुम कौन कर तो लेस रिएक्टिव मेटल रो पाइपलाइन को तुम जोड़ीदेव माने इलेक्ट्रॉन गुड़ाक फ्लो हम जहाँ को रिड्यूस करदेव है रिड्यूस करदे कौन हम इलेक्ट्रॉन दे कि दैट मीनस ये आउ क्या इलेक्ट्रॉन दरकार नहीं दैट मीन ये सप्लाई करला दैट मीन से कौन हाँ रिड्यूस रोब ये निज अवस्था रोब ये एत कौन हम बोले नष्ट ना रस्टिंग हम ना यूजिंग एंटी रस्टिंग सल्यूसन एंटी रस्टिंग सल्यूसन यूज करें रस्टिंग प्रिभेन्ट कर ठीक अच्छे पे तो आज क्लास को आम ये रखा थैंक यू।